बट हालात और कुछ खबरें ऐसी सजेस्ट कर रही हैं अच्छा, ये मैच ये एशिया कप पोस्टपोन्ड हो जाएगा या हमें न्यूट्रल वेन्यू पे ही जाना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी जो एक फ्लैगशिप आईसीसी टूर्नामेंट है, अगर आपने अभी घुटने टेक दिए भारत के सामने और आप यू ही चले गए, तो आपको क्या लगता है कि 2025 में भारत या ये सारे मुल्क आपको इस मुल्क में भारत उस पर भी आने से इनकार करते? एक बयान देगा सिर्फ जेशा या बीसीसीआई कि हम भारत पाकिस्तान में नहीं आना चाहता, आप फिर कहां स्टैंड करते हैं सर? अच्छा अच्छा, ये मेरी बात आप लिख लें। अगर इंडिया ने एशिया ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 की अगर पाकिस्तान आने से मना कर दी ना और आईसीसी मान गया अगर इसके ऊपर, तो इसका मतलब जीरो वैल्यू आईसीसी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिलेशन क्या ऑस्ट्रेलिया से खराब है, क्या इंग्लैंड से खराब है, क्या साउथ अफ्रीका से खराब है, क्या न्यूजीलैंड से खराब है? इनसे नहीं खराब, आपके आपके रिलेशन किससे खराब है? सुने, आपका रिलेशन किससे खराब है? इंडिया से। इंडिया सिर्फ एक कंट्री से आपके रिलेशन खराब है, वो कंट्रोल करता है सबको। गलती भी बीसीसीआई की, घटियापन भी बीसीसीआई का, इनके प्लेयर्स भी बीसीसीआई को सपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है कि जी हमारे बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा, हमारे भी बहुत सारे करेंगे, सारे पता जिनको वास्ता है वो भी करेंगे, सब करेंगे। आप अभी उनसे पूछ लें, हमारे कुछ लोगों से आप पूछ लें, पता क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा फैसला है अगर हम दुबई चले जाए, खत्म, आखिरी काम करे पाकिस्तान, बोले भाई आज के बाद हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ये न्यूज आपको मिल गया होगा कि एशिया कप अब कैंसिल होने वाला है और यही जो टाइम होगा इसी में बीसीसीआई एक फाइव नेशन सीरीज रख सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अकड़ है कि हम पाकिस्तान में ही एशिया कप कराएंगे और बाहर जाके हम नहीं खेलेंगे, अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंडिया की बात हम क्यों सुने, इस तरह की जो बातें कर रहा था पीसीबी, और पीसीबी को ये बुमेरंग साबित हो गया है क्योंकि बीसीसीआई अड़ गया है कि अब जो एशिया कप अगर होता है तो हाइब्रिड मॉडल में हो या कहीं हम दूसरे ये में खेलें, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ही एशिया कप ना हो। इसको लेकर पाकिस्तान भी जो अपना बयान रख रहा है आए दिन नजम सिटी, इसके बाद बीसीसीआई पूरा तप गया है, अब एशिया कप ही कैंसिल होने की कगार पर आ गया है। तो इसको लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बहुत ज़्यादा बुखलाया हुआ है, मतलब खासकर तनवीर अहमद, उसके नीचे आग लगा हुआ है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तरह तरह की बातें भोंक रहा है कि जैसे कि वो कह रहा है कि बीसीसीआई सबको कंट्रोल करने लगा। अरे भाई तुझको क्या अब पता लगा एशिया कप कैंसिल होने के बाद कि बीसीसीआई सबको कंट्रोल करता है? ये तो कभी मतलब तभी से पता चल गया था कि जब से आईपीएल हुआ है कि आईसीसी बड़ा है या बीसीसीआई बड़ा है, ये तो सभी को पता है कि बीसीसीआई बड़ा है, लेकिन इसकी आग सुलग नहीं रही। चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं, मैं वीडियो के बाद इसकी अच्छे से लेता हूं। बट हालात और कुछ खबरें ऐसी सजेस्ट कर रही हैं अच्छा, ये एशिया कप पोस्टपोन्ड हो जाएगा या हमें न्यूट्रल वेन्यू पे ही जाना पड़ेगा अच्छा, तो वो जो है वो नहीं हो सकता बिल्कुल। तो फिर वहां पे ये चीजें क्यों बोली गई कि जी पाकिस्तान को अब हम जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ये एशिया कप करवाते हैं? मतलब आपने हमारे चेयरमैन को या हमारे सीईओ या जो भी वो वहां पहुंचे हुए थे, आपने उनको बेवकूफ बनाया कि इनको तो करो उसके बाद हम अपने आराम से तरीके से इनको बेवकूफ बनाएंगे, जलील करेंगे, नहीं पता था। जेशा साहब बैठे हुए थे उस मीटिंग में, होस्टिंग राउंड को राइट नहीं पता था, बीसीसीआई अपनी टीम नहीं भेजेगा क्योंकि वो खुद बीसीसीआई हैं। क्या श्रीलंका बांग्लादेश जैसी चीज को नहीं पता था कि पाकिस्तान इंडिया में एशिया कप नहीं होता? तो फिर ये सारा ड्रामा करके हम सबका टाइम जान वेस्ट किया गया। ये तो ना, अगर एशिया कप पाकिस्तान नहीं हो सकता ठीक है, तो फिर इस चीज को खत्म ही कर दो ना। अगर पाकिस्तान और इंडिया में एशिया कप नहीं हो सकता, आपके एशियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें से दो जो क्रिकेट बोर्ड है वो अगर अपनी कंट्री में क्रिकेट नहीं खेल रहे, एशिया कप नहीं खेल रहे, खेलना तो नहीं चाहते, ठीक है फिर आप बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब की भी क्रिकेट वहां खत्म कर दें, बोलो भी इन दोनों की एशिया कप टू सीधा सीधा खत्म ही कर दो, ये दुबई कर दो या खत्म ही कर दो। कि वर्ल्ड कप जो है वो उसके लिए जब पाकिस्तान को अभी जाना पड़ेगा तो क्या उस टाइम के लिए सिक्योरिटी भी आ जाएगी, उस टाइम के लिए पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को वीजे भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा? सिर्फ एशियन एशिया का ये जो एशिया कप है उसके लिए क्यों प्रॉब्लम है? बात ये है कि वो जो है आसानी से जो इंडिया की गवर्नमेंट आराम से कंट्रोल कर लेती है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी को आप कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि उसकी वजह है ना, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए के अंदर इंडिया के अलावा कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप आराम से फाइनेंशियली या बातें करके आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, धमका के धमकियां देके ये करें वो करें। आईसीसी के अंदर इंडिया से ज्यादा एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं, क्रिकेट बोर्ड है, पैसा भी है, सब कुछ है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बोलता है ना मिसाल के तौर पर हम आपसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, वो पता क्या बोलेगा? जा पे चल, नहीं खेलता ना खेल। अगर आप इंग्लैंड को बोलोगे बल्कि चल वे निकल, खेलता नहीं खेल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को आप न्यूजीलैंड को बोलेंगे चल वे निकलता ना खेल, ठीक है। लेकिन जब आप इंडिया इनको धमकाता है ना पाकिस्तान को, तो हम तो वैसे ही कमजोर क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिलेशन क्या ऑस्ट्रेलिया से खराब है, क्या इंग्लैंड से खराब है, क्या साउथ अफ्रीका से खराब है, क्या न्यूजीलैंड से खराब है? इनसे नहीं खराब आपके, आपके रिलेशन किससे खराब है? सुने, आपके रिलेशन किससे खराब है? इंडिया से। इंडिया सिर्फ एक कंट्री से आपके रिलेशन खराब है, वो कंट्रोल करता है सबको, अनफॉर्चुनेटली ठीक है। तो जब आपका रिलेशन उससे खराब है, आप कंट्रोल चार कंट्रीज को आप कंट्रोल करते हैं, अभी भी देख लें बांग्लादेश, श्रीलंका,
ठीक है, ये लोग कभी अफगानिस्तान, ये लोग कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईपीएल नोट पैसा उनसे क्रिकेट खेल के, इंडिया में जाके क्रिकेट खेल के जो वैल्यू बनती है वो यहां नहीं आए, खत्म, आखिरी काम करे पाकिस्तान, बोले भाई आज के बाद हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। नहीं आई कि यार जब पाकिस्तान में जाना ही नहीं है भारत ने, तो फिर ये सारा ड्रामा रचाने की जरूरत क्या थी, आप पूरे के पूरे इस रीजन का टाइम वेस्ट, कि एशिया कप कब होगा, होगा नहीं होगा, ये इस लेवल पे इस तरह से ऑपरेट करते हैं लोग। यार बात, गलती भी बीसीसीआई की, घटियापन भी बीसीसीआई का, इनके प्लेयर्स भी बीसीसीआई को सपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है कि जी हमारे बीसीसीआई ने बड़ा भी अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे भी बहुत सारे करेंगे, सारे पता जिनको वास्ता है वो भी करेंगे, सब करेंगे, आप अभी उनसे पूछ लें, हमारे कुछ लोगों से आप पूछ लें, पता क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा फैसला है अगर हम दुबई चले जाए, मतलब कुछ क्रिकेटर्स की बात कर लेते चले, वो इंडिया वालों को बीसीसीआई वालों को नाराज नहीं करना चाहते, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी जो एक फ्लैगशिप आईसीसी टूर्नामेंट है, अगर आपने अभी घुटने टेक दिए भारत के सामने और आप यूं ही चले गए, तो आपको क्या लगता है कि 2025 में भारत या ये सारे मुल्क आपको इस मुल्क में भारत उस पर भी आने से इंकार करते, एक बयान देगा सिर्फ जेशा या बीसीसीआई कि हम भारत पाकिस्तान में नहीं आना चाहता, आप कहाँ स्टैंड करते हैं सर? अच्छा अच्छा, ये मेरी बात आप लिख लें, अगर इंडिया ने एशिया ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 की अगर पाकिस्तान आने से मना कर दी ना, और आईसीसी मान गया अगर इसके ऊपर, तो इसका मतलब जीरो वैल्यू आईसीसी की, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जीरो वैल्यू, एक आने की वैल्यू नहीं है आईसीसी की भारत के आगे, और अगर भारत ने ये चैंपियन ट्रॉफी अगर शिफ्ट करवा दी ना पाकिस्तान से, तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उस सब के ऊपर हावी होना चाह रहा है, ठीक है, और वो हावी हो गया इसका मतलब, और वो हावी होने का उसका तरीकेकार सबसे आला किस्म का है, ठीक है, ये जो आईपीएल करवाते हैं ना ये, इसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है, क्योंकि क्योंकि दुनिया के सारे प्लेयर्स वहां जाते हैं, दुनिया के सारे टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो उनकी कोचिंग स्टाफ में बैठे होते हैं, ठीक ठाक किस्म का कोचिंग स्टाफ की बात करें, हर क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलता है अपने प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट से 10%, ठीक है ठीक है, अब आए ना आप, ठीक है, सबको पैसा मिलता है क्रिकेट बोर्ड, ये सब बात है ना। अच्छा, उसके बाद जो जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आपको कोचिंग स्टाफ में नजर आएंगे, वो आपको कमेंट्री में नजर आएंगे, देखिए मेरी बात याद रखिएगा, उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरे क्रिकेट को एक जाल के अंदर फंसा दिया है, अपने जाल के अंदर, क्योंकि उनके पास जो पैसा, मुझे एक चीज बताएं, इतनी बड़ी आबादी है किसी क्रिकेट क्रिकेट किसी इतनी बड़ी आबादी है नहीं है, लेकिन एक बात है, मुझे आप जवाब दे दें, मेरा क्या आप इसका मुझे जवाब दे दें तो मैं मान दूंगा आपको, आईपीएल कितना अर्सा हो गया यार, मेरे ख्याल में 10+ ईयर हो गए, 10 साल 12 साल हो गए, 5 साल पीछे हम उनसे पहले करा लेते, हमें अगर इतनी काबिलियत होती करा लेते, टेक ओवर कर लेते, नहीं किसी ने आइडिया देने से रोका था, हम लॉन्च तो करते नहीं सर, क्या हो गया, 5 साल लेट हो गया, मेरी बात रियलिटी है, जो कहते हैं ना जिसने पहले चीज किया, देखें बिग बैश भी इतना, अच्छा मेरी बात सुने, फैक्ट है कि फिर भी बीसीसीआई की लीग बड़ी ही होती, अच्छा मेरी बात सुने, अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी लीग करवाता है, इंग्लैंड अगर अपनी लीग करवाता है, और जो एस्टैब्लिश कंट्रीज है क्रिकेट बोर्ड लीग करवाता है, क्या इंडिया से ज्यादा पैसा बना सकता है? इंडियन प्लेयर ही नहीं आते, डेढ़ अरब की आबादी माइनस हो गई, वो आ भी जाए भाई, आप हमेशा अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करते, अपनी अपनी ये इसको अपनी मुल्क को देख के, कितना बड़ा मुल्क है आपका, कितनी लोग हैं, ठीक है, तो इतनी बड़ी आबादी से आप अपना बिजनेस चलाते हैं, वो चला रहे हैं अपना बिजनेस, उस बिजनेस से उन्होंने पूरी पूरी क्रिकेट को अपने जाल में लेके आ गए, आप याद रखें कि पॉइंटर्स थे, दे वर फर्स्ट टू नॉलेज, यार आप इवन आपको आईसीएल याद होगी शायद, मेरी बात आप लिख लें, आज मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जो मेरी सोच है ना वो आप देख लेना आगे चल के, या आपके पीएसएल को इतना डैमेज करेगा ना, ये आपकी सोच है, पीएसएल के दौरान ये जो आप देखते हैं ना दुबई में, दुबई में जो लीगें हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस वजह से स्टार्ट किए हैं, इन्होंने पीएसएल को डैमेज करने के लिए स्टार्ट करना है, ठीक है, सारे लोग इंडियंस वहां इन्वॉल्व हो गए हैं उस लीग के अंदर, इन्होंने जो हमारे पीएसएल में लोग आ रहे हैं ना, इन्होंने इनको नोट देके उस तरफ लेके आना है भाई। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एशिया कप कैंसिल होने के बाद तनवीर अहमद ने क्या क्या बोला बीसीसीआई के बारे में, तो इसकी तो आग लगी हुई है, ये तो पता लग रहा है कि इसकी बहुत ज्यादा सूझ गई है, लेकिन इसकी सूझन मिटाते हैं, अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि इस बीसीसीआई सबको कंट्रोल करता है और हमको भी ये ऐसा करना चाहिए कि हमको भी मतलब बीसीसीआई के सामने स्टैंड लेना चाहिए, हमको एशिया कप ही बंद कर देना चाहिए, एशिया कप अगर बंद कर दिया आप लोगों ने तो क्या उखाड़ लिया जाएगा, मतलब बीसीसीआई का क्या उखड़ जाएगा, एक तो ये हो रहा है कि आईपीएल एक आईसीसी इवेंट से भी ज्यादा कमा रहा है, एक आईपीएल से बीसीसीआई इतना कमा रहा है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या पीसीबी कभी जानता नहीं था। और अगर आ जाए एशिया कप के टॉपिक पर, एशिया कप 2018 में भी भारत को मिला था, लेकिन भारत वो यूएई में रखा क्योंकि ये जानता था कि जो भारत जानता था कि हम पाकिस्तानियों को वीसा नहीं देते, जो कि एक सही, इनको हमारे कंट्री में क्यों लाए, तो इसके लेकर जो पाकिस्तान में जो अभी हालात चल रहे हैं, तो भारत ने मना कर दिया और भारत कभी जाएगा भी नहीं पाकिस्तान, ये तो साफ सीधी बात है कि कभी नहीं जाने वाला पाकिस्तान खेलने के लिए, ये बीसीसीआई मान ले, तो इसको लेकर पाकिस्तान तपा हुआ था, जैसे रमेश राजा भोंकर
रहा था, नजम चड्डी बोक रहा था, लेकिन गुजरे दिन के बाद ये पता चल गया, पीसीबी अपना औकात पता चल गया और एशिया कप अब कैंसिल होने की कगार पर है। इसके बाद ये जो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन जाएगा, बिल्कुल छीन जाएगा, क्योंकि अगर भारत नहीं गया तो आईसीसी क्या उखा लगेगा उसकी, और आईसीसी हेफ्टी फाइन लगाएगा, कितना ज्यादा फाइन लगाएगा, अगर आईसीसी फाइन लगाएगा तो तब बीसीसीआई भी बोल देगा कि भाई मेरा जितना रेवेन्यू है उसमें आप मुझे इतना भी रेवेन्यू नहीं दे रहे तो रेवेन्यू बढ़ाइए, तो आईसीसी का भी दिमाग चकराने लगेगा, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा मसला होगा 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी होगा, वो तगड़ा फाइट होगा आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में, क्योंकि तब बीसीसीआई अड़ जाएगा कि हमें पाकिस्तान नहीं जाने वाला है, और इसके लेकर आईसीसी भी अब सर पकड़ के बैठ जाएगा कि अब मैं क्या करूं। तो तनवीर अहमद छोटा मोटा क्रिकेटर है तो ये बोल देता है कि आए दिन ये हमारे जो उसके चैनल में बैठ के कि इंडिया ऐसा करता है वैसा करता है, हमारे साथ जिल्लत करता है, हमको बेइज्जत करता है, भाई तुम बेइज्जत करने के लिए तो हो, एक कंट्री तो दुनिया में ऐसा होना चाहिए ना जिसको बेइज्जत करा जाए आए दिन, तो आप इसीलिए ही हो, क्रिकेट हो जाए या मुल्क हो जाए करंट अफेयर हो जाए, आप सभी में बेइज्जत होते हो, कौन सा ये क्रिकेट में ये आपको बेइज्जत होने लगे हो, मतलब आए दिन आप हमेशा ही ऐसे बेइज्जत होते रहे हो, रहोगे और आने वाले दिन में भी होते रहोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो इतना अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और तनवीर अहमद की इस बात को लेकर आपका कह रहा है कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूँ जल्दी मिलकर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।